जो आज शहीद भगत सिंह दिवस के उपलक्ष्य में आपने इतनी बड़ी वाहन विशाल रैली की, तो आपने यूथ को कैसे मोटिवेट किया यहाँ तक लाने के लिए? यूथ को पहले, सबसे पहले शहीद भगत सिंह जी के बारे में समझाया गया, उनके अंदर जागरूकता लाई गई। उसके बाद अपन ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन खातीपुरा तिराहे पे करा, जिसके अंदर भारी भारी युवाओं का जोश आया, जिसमें उन्होंने सामने से इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतने की हमें उम्मीद भी नहीं थी। बट युवाओं का जो आज हमारा समर्थन रहा, उसके अंदर मान के चलो आप 150-200 तो मतलब भारी वाहन हो गए, फोर व्हीलर हो गए, और 150-200 अपने टू व्हीलर हो गए इसमें। और ये ना कोई पैसे बुलाई हुई भीड़, ना कोई इसी भीड़, ये सब खुद भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाले लोग सारे, सब जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में अपने मतलब स्ट्रगल करने वाले लोग, ये वो वाले लोग थे। इन्होंने बहुत अपने को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आखिर तक ठेठ विद्याधर नगर तक अपना यहाँ पे अपन ने जनसभा भी करी। उसके अंदर अपने काफ़ी जोश आया, काफ़ी युवा जोश था, सब सर्वधर्म के सारे लोग थे, उन्होंने अपना बहुत समर्थन दिया, सबने हमने सबकी मतलब रिस्पेक्ट पूरी करी, सबका अपने आदर करा, सबको सम्मान दिया, पर्सनल सबको माला साफा पहना के सम्मान करवाया गया। आप ये बताएं, शहीद भगत सिंह दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इसके माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आज के टाइम पे धर्म की लड़ाई ना लड़ें, सब एक ही है, सबको वही है, रोज़ रात को सबको खाना ही खाना है, वही बात है। तो अपने उस हिसाब से सबको एकता के साथ चलना चाहिए, सबको मतलब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप एकता का संदेश देना चाहते हैं? एकता का संदेश ही आज के टाइम पे अपने भारत को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि युवाओं के पीछे ही भारत है। अब युवाओं के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं भगत सिंह दिवस के उपलक्ष्य पे? बस उनके आदर्शों पे चले, खुद से लॉयल रहे और सबकी मदद करते रहे। धन्यवाद।